प्रदेश में महंगाई के खिलाफ सीटू व अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा चलाए गए 15 दिन के विशेष अभियान का समापन हो गया। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज सीटू व किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बस अड्डा पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सीटू व किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए सीटू के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि महंगाई के अलावा किसानों व मजदूरों से जुड़े अनेकों मुद्दों को लेकर 15 दिन का विशेष अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार से महंगाई पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि आज आम आदमी की कमर महंगाई से टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार से डीजल व पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद कर हटाने की मांग की जा रही है, ताकि बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर रोक लग सके। आज मुख्यतः हमारा जन संगठनों की तरफ से 10 नवंबर से 25 नवंबर तक जो बेहताशा महंगाई हो रही है तमाम चीज़ों के अंदर, उसके खिलाफ हमारा 15 दिन का अभियान था, जिसको हम आज कल्मिनेट कर रहे हैं प्रदर्शन के माध्यम से। और आज पूरे देश के अंदर किसान मजदूर इस बात को लेकर आंदोलन पर हैं कि जो सरकार अभी कृषि बिल को उन्होंने वापस लेने की बात की, लेकिन हमारी ये मांग है कि उनको पार्लियामेंट के अंदर पहले इनैक्ट करना पड़ेगा, इनैक्ट करने के बाद जो है उनको रिपील करके जब सरकार सामने लाएगी। और हमारी बात ये है, आज जो हमारी मांग है वो ये है कि जो MSP है उस पर कानून लाना होगा, अदरवाइज जो है किसानों का मजदूरों का ये धरना इसी तरह से आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और इसके साथ साथ जो मजदूर 2020 से लेकर लगातार जो 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके सरकार ने 4 लेबर कोड के अंदर उनको तब्दील किया है, हम ये मांग कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे देश का 70% से ज़्यादा मजदूर अपने कानूनी अधिकारों से बाहर हो गया है। हम ये मांग कर रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि आप लेबर कोड वापस लो और तमाम जो श्रम कानून हैं अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने से लेकर जो कुर्बानियों के बाद बनवाए हैं उनको जो है बहाल करें, ताकि मजदूर कर्मचारियों को अपना हक मिल सके। और जो ये बेतहाशा महंगाई हो रही है खाने पीने की चीज़ों के अंदर, और खासकर जो है डीजल पेट्रोल के अंदर, केंद्रीय उत्पाद कर को ख़त्म किया जाए। और जो सरकार का भी पॉलिसी है कि वो डिपो को बंद करने जा रही है, वो डायरेक्ट बेनिफिट के नाम पर लोगों को गलत तरीके से, गलत मैसेज से जो है वो गुमराह, एक भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन हम ये कहने के लिए आए हैं कि अगर आप डिपो को बंद करना, राशन डिपो को बंद करने का कोशिश करेंगे तो एक बड़ा आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ होगा। जिस तरह से किसानी बिलों को लेकर हमारे आंदोलन की जीत हुई है, हम आगे आने वाले समय में जो आपकी महंगाई बढ़ाने वाली जो नीतियां हैं इनको भी जो है हम इनके खिलाफ भी एक आंदोलन लड़ेंगे और उसको जीतेंगे।